हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर सकीना खान। बेटा, जैसा कि पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास फिफ्थ का लेसन फर्स्ट जो है हम प्रभात की नई किरण इस चैप्टर को हमने एक्सप्लेन किया था, और जैसा कि ये हमारा सेकेंड पार्ट है और इसमें हम आज वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी सारी नोटिफिकेशन, सारे वीडियो, सब कुछ मिल सके, रिसीव कर सके आप उसे। तो आज हम लोग लेसन फर्स्ट में शब्दार्थ पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला हमारा जो शब्द है वो है प्रभात। प्रभात का अर्थ होता है सुबह या सवेरा। नंबर टू, ज्योति, इसका अर्थ होता है दीपक की प्रकाशित लौ। दीपक की प्रकाशित लौ यानी जो दिया जलता है उसके दिए की लौ से जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसे भी हम ज्योति कह के संबोधित कर सकते हैं। तीसरा है कण। कण का अर्थ होता है धूल का अत्यंत छोटा अंश। फोर्थ नंबर पर है तृण। तृण का अर्थ होता है तिनका। फिफ्थ नंबर पर तरु। तरु मीन्स होता है पेड़, वृक्ष। सिक्स नंबर है सुमन। सिक्स नंबर हमारा है सुमन। सुमन का अर्थ होता है फूल, पुष्प। और बेटा सेवन नंबर पर है नूतन। नूतन मीन्स होता है नवीन, नया। आपका एट नंबर पे है मधु। मधु मीन्स होता है मिठास या शहद। आपका नाइन नंबर पर है मकरंद। मकरंद का मतलब होता है, मकरंद का अर्थ होता है फूलों का रस जिसे मधुमक्खियां और भौंरे चूसते हैं। टेंथ नंबर पर आपका जो शब्द है वो है सर्वत्र। इसका अर्थ होता है हर जगह। और बेटा 11 नंबर पर है भ्रमर। भ्रमर मीन्स होता है भौरा या भवरा। आपका 12 नंबर पर है नव। नव मीन्स होता है नया। 13 इज गुंजन। गुंजन मीन्स गीत या गूंज। 14 नंबर आनंद। आनंद मीन्स होता है मुख, चेहरा या मुखड़ा। 15 नंबर पर आपका उमंग है, इसका अर्थ होता है उत्साह। 16 नंबर पर, 16 नंबर देखिए यहाँ है, 16 नंबर सरिता है जिसका अर्थ होता है नदी, और स्पेस ना होने की वजह से हमने 17 नंबर जस्ट इधर राइट कर दिया है। 17 नंबर आपका है सिंचित जिसका अर्थ होता है सींच कर। तो बेटा हमने काफ़ी स्पेस छोड़कर आपको ये चीज़ें समझाई हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं, या फिर जूम करके पुश करके वीडियो को रोक कर आप नोट्स बना सकते हैं। सारे जितने भी आपने वर्ड मीनिंग अब तक देखी है अपनी वर्क बुक में नोट कर लीजिएगा। जब हमेशा तो लॉकडाउन नहीं रहेगा, हमेशा तो आप घर में ऑनलाइन पढ़ेंगे नहीं, तो बेटा जब भी आप स्कूल आएंगे, जैसे आपकी पहले नोटबुक और बुक्स चेक होती थी, करेक्ट होती थी, हम उसी तरीके से आप लोगों की बुक चेक कर देंगे। जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली है बेटा आप बुक्स ले लीजिए, बिना बुक की पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे की एक्सरसाइज हम अपने पार्ट थ्री में लेकर आएंगे, जैसे कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एसेट्रा एसेट्रा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।